फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम प्रोजेक्ट यूनिट के कैसे चेंज किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो गाइस, रैबिट सॉफ्टवेयर में, जैसे हम ऑटो कैड सॉफ्टवेयर में UN कमांड प्रेस करते थे, टाइप करते थे, तो हमारा यूनिट चेंज हो जाता था। ऐसे ही हम इसमें भी, रैबिट सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही सेम प्रोसेस है। UN टाइप करेंगे, इसमें भी वैसे ही चेंज होगा, लेकिन इसमें कुछ अलग सिस्टम दिया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं, तो वीडियो के साथ में एंड तक बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैनेज टैब में आएंगे, इसके बाद सेटिंग आपको दिख रहा है, फिर उसके ऊपर देखिए प्रोजेक्ट यूनिट दिख रहा है, तो प्रोजेक्ट यूनिट को क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर बाद में कीबोर्ड पे UN कमांड डालेंगे तो आपका यूनिट इंटरफेस खुलेगा। तो हम सेटिंग में ऊपर जाके प्रोजेक्ट यूनिट को क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद ये इंटरफेस खुलेगा। जैसे देखिए, सबसे पहले प्रोजेक्ट यूनिट दिख रहा है आपको, तो ये एक यूनिट्स है, एक फॉर्मेट है। तो देखिए, लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, एंगल है, स्लोप है, करेंसली है, तो मास डेंसिटी है। तो सबसे पहले ये देखिए, इसे क्लिक करेंगे यूनिट्स पे, तो देखिए ऑलरेडी है फ्रेट फ्रेंटेजरी इंचेस पे दिया हुआ है, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, डेसिमल फीट पे, फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस पे, डेसिमल इंचेस पे, तो मीटर में, अगर हमको मीटर में चेंज करना हो तो मीटर में हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, इंटरफेस ये मीटर में हो गया गाइस। तो अब हम आर्किटेक्चर में जाएंगे, वॉल को एक लेंगे, तो हम वॉल क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए अब ये किस इंटरफेस में हमको बता रहा है, ये देखिए गाइस, तो ये हमको ये मीटर में बता रहा है गाइस। तो ऐसे ही, मतलब अगर हम प्रोजेक्ट यूनिट को किसी भी, अगर फिट में हम चेंज करना चाहते हैं तो फिट में भी चेंज हो जाएगा। तो गाइस, ऐसे ही किसी यूनिट में हमको चेंज करना हो तो सब यूनिट में चेंज होगा, फिर हमको फिर चेंज करना हो तो फिर हम यूनिट में जाएंगे, और फिर हमने हम फिट के हिसाब से डेसीमीटर में कर देंगे, मीटर में कर देंगे। अब देखिए, ऑलरेडी फिट में था, तो हम इसको डेसीमीटर में कर देंगे, तो अब देखो इसको इंटरफेस अब ये मीटर में बता रहा है, देखिए। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को शेयर करो।